भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के विकास कार्यों पर कुछ प्रश्न पूछे, उसका उत्तर दिया गया है कि आपने दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में कितने नए विद्यालय बना दिए साहब, कितने अस्पताल खोल दिए आपने, मोहल्ला क्लिनिक को आप सिर्फ कोरोना की बातें कर रहे हैं, कोरोना के दौरान में उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों की तुलना कर लीजिए और सब बातें छोड़ दीजिए। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई अभी सौरभ भाई ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के हर 30% लोग जो है उनके परिजन जो है दिल्ली में रहते हैं, साहब सही बात है रहते हैं, लेकिन आपने कोरोना के दौरान जिस तरह से बसें लगा के उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाया, क्या उत्तर प्रदेश के लोग भूल गए हैं? अभी छठ पूजा के समय आपने दिवाली पूजा की किसानों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन छठ पूजा के समय उन्हीं पूर्वांचल के लोगों को, लेकिन कल तो केजरीवाल जी ने जब मंच से स्टेटमेंट दिया, प्रेम शुक्ला जी, वो उन्होंने तो बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने तो कहा कि गोरखपुर में कोई अस्पताल नहीं है, इतनी दूर बस में बैठकर आना पड़ता है इलाज के लिए, सीधे मुख्यमंत्री के क्षेत्र पर निशाना साध दिया। नहीं, उनको देखिए उत्तर प्रदेश में जो है नया और गोरखपुर में नया एम्स खुल रहा है, नया एम्स खुल गया है लगभग, तो जरा केजरीवाल जी को जरा थोड़ा सा अपना ज्ञानार्जन जो करने की आवश्यकता है, ज्ञान वृद्धि कर लें। और गोरखपुर में पहले से ही अस्पताल है, गोरखपुर का कोई दिल्ली इलाज कराने के लिए नहीं आता है, और खुद जो है केजरीवाल जी बैंगलोर इलाज कराने गए, तो इसका मतलब जो है दिल्ली में कुछ है ही नहीं है, खुद केजरीवाल जी अपना इलाज कराने बैंगलोर गए थे कि नहीं? तो व्यक्ति को कोई स्पेशल अगर चिकित्सा करानी है तो कोई मुंबई दिल्ली जा सकता है, सोनिया गांधी तो अमेरिका जाती है, तो क्या कांग्रेस ने कोई अस्पताल ही नहीं खोला भारत में? ठीक है अनुराग जी, अपना इलाज कराने अनुराग जी, ठीक है अब अनुराग जी का कमेंट पर ले लेती हूँ। यहाँ पर दो नए ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश की जमीन पर अब दिखाई देते हैं, आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ने का वहां सपना देख रहे हैं, पहले से ही आपकी राह मुश्किल थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि और प्रतिद्वंदी आप लोगों के लिए मैदान में आ गए हैं। देखिए लोकतंत्र में कोई भी कहीं लड़ सकता है, हमें तो लगता है कि भाई अच्छी बात है जो जहां लड़ना चाहता है लड़े, लेकिन इस बात का समाजवादी लोग सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि